Assalamualaikum everyone. Thank you for coming out. I know कि Saturday night को काफ़ी लोगों की commitments होती हैं और उसमें school involved नहीं होता, so I really appreciate all of the students here. Give yourself a round of applause, because I would not do this when I was your age. Right, so मेरा नाम Myra Siddiqui है. I am the CEO and co-founder of an education technology company called Chirag Education Technologies. And I'll just tell you a little bit about me, you know, just to give you context ke why I've been chosen to talk about this topic, which is failure. So besides Chirag, main Karachi School of Business and Leadership pe entrepreneurship bhi padhati hu. I've been doing it for around 2 years. In fact, unka entrepreneurship ka undergrad maine establish kiya for the most part. And so my family's been in education for around 3 generations. I think usko 2 decades keh sakte hain at this point. Not even 2 decades, actually 2 centuries at this point. But yeah, so we actually wrote Pakistan's first IT policy. And uske saath saath aap log ko shayad bachpan ki ek memory ho, ek Urdu kaida hota tha, usme black and white hota tha, usme jahaz jim se hota tha, lekin actually ship hoti thi. Uska naam kashif Urdu kaida tha, wo bhi meri family ne hi likha tha. एंड मेरा अपना जो एजुकेशन बैकग्राउंड है, इट्स बिन एक्चुअली आई डिड माई KG टू Grade 3 फ्रॉम PF चैप्टर. सो मेरे कुल ग्रेजुएशन तक स्कूल्स मिला के MBA तक कोई 8 स्कूल्स हैं ऑन 2 डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स. सो सिटी स्कूल बींग वन ऑफ देम वॉज यू नो बाई डिफॉल्ट आई सपोज. सो आई वॉन्ट टॉक अबाउट माई जर्नी, बिकॉज हम एक ऐसी सोसाइटी में हैं जहाँ फेलियर के बारे में सिर्फ उस हद तक बात की जाती है जब आप लोगों को बताया जाता है कि अगर फेल होगे तो बुरा लगेगा, बेइज्जती होगी, एंड दैट्स अबाउट इट. इस तरह नहीं बात की जाती कि फेलियर इज़ इनएविटेबल. ठीक है, आप कुछ भी अटेम्प्ट करेंगे, अगर आप वो चीज़ पहली बार कर रहे हैं तो चांसेस ऑफ यू फेलिंग एट इट आर प्रीटी हाई, राइट? सो इन आवर सोसाइटी वी आर नॉट टॉट कि अगर हम फेल कर गए किसी चीज़ पे तो फिर उसके बाद क्या करना है, राइट? बिकॉज हम तो सोचते हैं कि अगर कोई नई चीज़ करेंगे और हम उसमें कामयाबी ना पाएँ तो कितनी एम्बैरेसमेंट होगी, राइट? सो इस एम्बैरेसमेंट के डर से ही हम लोग नई चीज़ें नहीं करते, क्रिएटिव फील्ड्स में नहीं जाते. आजकल आई मीन आई एम टॉकिंग टू जेन ज़ी, सो यू गाइस आर अ लॉट मोर क्रिएटिव एंड अ लॉट मोर रिस्कियर देन आई वॉज. बट जनरली इन पाकिस्तान parents have a lot of say regarding what their children do in terms of a career, and if you do decide to do something that maybe perhaps your parents don't want you to pursue, to ek bahut hi wo unstable si journey hoti hai. Now when it comes to following your passion, high chance ye hai ki your parents might not understand it, right? And initially, as they are financing your education, you need to put up a good case. So just keep all of that in mind when I tell you about my career. अब ये जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है, ये डोरा द एक्सप्लोरर की तरह की एक कैरेक्टर है. इसका नाम बबली है और बेसिकली ये मेरा बचपन है. दिस इज़ 7-year-old Myra Siddiqui. अब 7 साल की उम्र तक मुझे एक्चुअली सिर्फ उर्दू बोलनी आती थी, एंड देन आई रियलाइज कि पाकिस्तान में तो तरक्की करने के लिए आपको अंग्रेज़ी सीखनी पड़ती है. तो दिन रात मैंने अपनी इंग्लिश इतनी अच्छी कर ली, इतनी मेहनत की कि उर्दू ही बिकेम माई सेकेंड लैंग्वेज. एंड देन आई फॉलोड द ONA लेवल्स राउट, सो आई डिड टेक इट एज अ सेकेंड लैंग्वेज. नाउ दैट वाज ओके व्हाइल आई वाज इन पाकिस्तान, बट देन आई वेंट टू द US एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि वहाँ दूसरे ममालिक से, दूसरी कंट्री से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आए हुए थे, जैसे चाइना और सऊदी अरेबिया. एंड उन लोगों को अंग्रेज़ी बिल्कुल नहीं आती थी, बिकॉज उनका कुछ लेना देना ही नहीं था अंग्रेज़ी से, अनटिल दे केम टू द US टू परस्यू एन एजुकेशन इन इंग्लिश, राइट? सो जब वो वहाँ पहुँचते थे, नॉट अ सिंगल वर्ड ऑफ इंग्लिश, बट ऑब्वियसली अब उन्हें ग्रेजुएट होना है तो इंग्लिश सीखनी है. तो उनके लिए लर्निंग इंग्लिश वॉज ओनली अ मैटर ऑफ 3 months. दे लर्नड इट एज अ सेकेंड लैंग्वेज. And within 3 months, they spoke enough English, wrote enough English to graduate with me. अब इस पूरे प्रोसेस में उनका कुछ आई गेस उनकी कोई इनसिक्योरिटी नहीं होती थी कि उनकी इंग्लिश बुरी है, और उन्हें तो पता ही था उनकी सेकेंड लैंग्वेज है, राइट? एंड दिस जस्ट गॉट मी थिंकिंग कि हम जब इंग्लिश के बारे में सोचते हैं तो हमेशा एक इमोशनल टॉपिक होता है हमारे लिए. अगर हमारी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो देन इट्स लाइक वे एलियनेटेड. अगर हमारी इंग्लिश बहुत बुरी है
देन वेल इट्स एन इनसिक्योरिटी फॉर अस. अगर हम दरमियान में हैं तो किसी दिन अच्छी होती है, किसी दिन बुरी होती है, उसकी सोशल कॉन्सिक्वेंसेज भी होती हैं. तो विद दीज थॉट्स इन माई माइंड आई केम बैक टू पाकिस्तान एंड मैंने अपना करियर शुरू किया सिटीजन्स फाउंडेशन, जहाँ मैंने एक क्लासरूम में आई रिमेंबर आई थिंक उस कुरंगी और मलिर और एक्चुअली उस लांडी या लांडी में मैंने एक स्कूल विजिट के दौरान पहली दफ़ा मैथ उर्दू में पढ़ाते हुए देखा. तो उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि हमने जो सर पे सवार किया हुआ है कि अंग्रेज़ी में ही पढ़ना है वरना नहीं पढ़ेंगे, ये शायद हमने थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट रखा हुआ है, राइट. क्योंकि अगर मैथ या फिर हिसाब उर्दू में पढ़ाई जा सकती है तो फिर तो किसी भी ज़बान में पढ़ाई जा सकती है, और अगर हिसाब किसी ज़बान में पढ़ाई जा सकती है तो फिर बाकी मौजू बाकी सब्जेक्ट्स भी किसी भी ज़बान में पढ़ाए जा सकते हैं. बिकॉज आई गेस A language is only a medium of instruction. It's only as powerful as the number of speakers of it, right? So I just want to give you all of this context until I actually tell you about failure in my life. Iske baad phir maine shuru kiya Chirag Education Technologies, jisme basically we create animated cartoons that are like Dora the Explorer. The journey seems great so far, because I mean I'm in year 3 and I guess like I can talk about it now. But pehle saal mein na वो जो फेलियर था, फिर दूसरे साल में और फिर तीसरे साल में बिल्कुल ही डिफरेंट लेवल के थे सारे. पहले साल में लोग कहते थे ये क्या कर रही हो, और देर आर वेरी फ्यू सपोर्टर्स इन माई फर्स्ट ईयर. फॉर इंस्टेंस पीपल वर लाइक मायरा पाकिस्तान में तो लोग अंग्रेज़ी सीखने की कोशिश कर रहे हैं, उर्दू क्यों सिखा रही हो, मतलब वाई आर यू गोइंग अगेंस्ट द स्ट्रीम, नो वन्स एवर गोइंग टू बाय योर प्रोडक्ट्स, नो वन्स एवर गोइंग टू वॉच योर कार्टून्स. तो एक दो सपोर्टर्स थे, उसमें से एक इंस्टीट्यूशन था कैटलिस्ट लैब्स, तो इनके थ्रू हम एक्सेलरेट हुए एज ए स्टार्टअप. एंड देन उसके बाद वी वन आई थिंक इट वाज आवर 11th मंथ वी वन आवर फर्स्ट पिच कंपटीशन, इट वाज इन मोरक्को. अब एज आई एम सेइंग दिस इन माय थर्ड ईयर इट सीम्स लाइक हाँ बहुत ही स्ट्रेट जर्नी थी, बिल्कुल नहीं थी. बिकॉज जहाँ अक्सर मैं इंक्यूबेट भी हो रही थी एरियाज में, वहाँ भी लोग जिनका मतलब काम ही था मुझे इनकरेज करना कहते थे कि तुम्हारा बिजनेस तो वैसे ही नहीं कमाएगा कभी, सोशल वेंचर है, एंड या तो आप पैसे कमा सकते हैं या फिर आप सोसाइटी में कोई पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं. वो दोनों चीज़ें साथ लाने का तो भूल जाओ. और लोगों को ये भी समझ नहीं है यहाँ कि एक सोशल वेंचर जो होता है खैराती अदादा नहीं होता, राइट. सो आई वॉज डीलिंग विद द लॉर ऑफ बिहेवियरल चेंज दैट आई नीडेड टू क्रिएट. सो एवरी डे डे इन डे आउट आई वुड बी टोल्ड मत करो, बंद कर दो, पैसे नहीं बन रहे. एंड देन दिस हैपन्स. Well, right now, I'm like, it wasn't really a big deal, but it was a big deal back then, right? So, फिर इसके बाद जब मैं आई तो थोड़े से ना लोगों का perception भी बदलना शुरू हो गया. Keep in mind के पहले साल में हम शायद एक या दो grants जीते थे and हमने कोई 50 में apply किया होगा, ठीक है. And वो जो 48 थे जो नहीं जीते थे, वो जो failure था ना, उसको हमने feedback में इस्तेमाल किया. We deep dived if we could contact the people who were actually, you know, I guess who were actually evaluating our grants. We asked them where we went wrong, and then we took that feedback. And rather than saying, "Yar, मतलब मैं तो grant proposal लिखना ही नहीं आता, खत्म करो इसे, and let's move on to the next thing. Let me go back to the corporate world." I was like, "No, this is not failure. This is feedback that I'm going to use to evolve." फिर इसके बाद दूसरे साल में ये क्या कर रही है, अभी क्यों कर रही है, इससे इवॉल्व हुए सवालात या कमेंट्स, ये अब तक क्यों कर रही है. एंड उस साल में दैट्स व्हेन वी एक्चुअली वन अराउंड लाइक 6-7 ग्रांट्स. अगेन बोर्ड पे जितने लोगोज हैं, स्क्रीन पे जितने लोगोज हैं, वो प्रॉबेबली आई थिंक लाइक 5% होंगे ऑफ द ग्रांट्स और कॉम्पिटिशन वी एक्चुअली अप्लाइड टू. सो द फेलियर हेयर अगेन इज नॉट रिफ्लेक्टेड, बट द मोर ग्रांट्स वी अप्लाइड टू द मोर वी गॉट रिजेक्टेड, हमें और समझ आई कि किस तरह आपने आपको पिच करना है. एंड वाइल दूसरे साल में ये स्टेटमेंट लोग कहते थे अभी तक क्यों कर रही है या अभी तक कर रही है, अब वो एक सवाल के बजाय एक एक्सक्लेमेशन मार्क बनता जा रहा है कि अभी तक कर रही है, तो इसका मतलब एक्सपीरियंस गेन कर लिया होगा ना उसने. एंड दिस अल्हम्दुलिल्लाह इज आवर पार्टनरशिप बोर्ड सो फार. Thank you. So, if you stick to something long enough, मतलब basically हम जब सब बच्चे होते थे ना, हमें कुछ चाहिए होता था, अम्मी अब्बू की टांग में literally लटक जाते थे. वो वाला बच्चा ना अंदर में हर इंसान के अभी तक है, मेरे अंदर तो है, मेरे बाल भी वही हैं वैसे, to be honest. उस बच्चे को ना आपने भूलना नहीं है,
क्योंकि उसे जब चाहिए होता था ना, उसे चाहिए होता था, उसकी ईगो नहीं आती थी बीच में, ठीक है. लॉस, वो बहुत रेजिलिएंट इंसान होता था. वो गिरता था, उसकी यू नो घुटने वुटने स्क्रेप हो जाते थे, उठता था, बोलता था तो क्या हुआ, भूल जाता 5 मिनट में कि वो गिरा था. उसकी ईगो पे नहीं हर्ट होता था कि आई फेल इन फ्रंट ऑफ पीपल, समवन सॉ मी डू समथिंग एंड नाउ आई एम एम्बैरस्ड बिकॉज आई डिडंट गेट आई डोंट नो लेट्स से एन ए, राइट. तो उस बच्चे से ना आपने वापस कॉन्टैक्ट करना है. एंड when you go out into the world, I know you guys are like O levels, A levels, right? When you go out into the world, even the university, remember that agar koi cheez worth the while hoti hai na, wo intahai mushkil hoti hai. And agar koi cheez aasan hai, don't do it, because everyone's going to be doing it and then you're going to be like everyone else. So yeah, just a closing note, apne failure se aap seekhein. Kabhi bhi aap haarne se ya fail karne se dare nahi, because I'll let you in on a little secret. You haven't failed until you've actually given up. So, thank you, I guess. So, thank you for your time, and just follow your dreams. Cliche, but just follow your dreams.